वर्मा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्लीनरी को आए हुए हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट जनाब जगनमोहन रेड्डी साहब, और हम सब को जिनको माँ कहते हैं हमारे विजय माँ, और यहाँ पर आए हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर्स को और सोल्जर्स को, सबको नमस्ते सलाम अलैकुम। क्योंकि वक्त की कमी है तो सीधा सीधा उर्दू में बात करना चाहता हूँ। समय तक उबी डायरेक्ट उर्दू में माटडुटना लेदे तेलू उर्दू में कोई माटाड़ना को मंदी की अर्थम का नीर को सब विना पैस्थि आज हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट में क्या चल रहा है आपको मालूम है। चंद्रबाबू नायडू सीएम नहीं बने बोलकर हर कोई हमारे ऊपर उंगली उठाकर बताना चाहता, हमारे ऊपर तनखीद करना चाहता, हमारे में बुराई बताना चाहता, मगर उन सब लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आपने पांच साल में क्या किया, आपने क्या हमारे माइनॉरिटीज के लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया, आपके पांच साल में क्यों एक भी आदमी एमएलए नहीं बना, आपके साढ़े चार साल में क्यों एक भी आदमी मिनिस्टर नहीं बना। नंदियाल का भाई इलेक्शन आए जब तक आपको माइनॉरिटीज तक याद नहीं आए थे, और आप हमारे ऊपर बोलने वाले, अगर हम जबान खोलेंगे और हम अगर आपको बोलेंगे तो आपके जबान बंद हो जाएंगी, मगर क्या कर सकते, हमारे पास आपके वैसा झूठा मीडिया नहीं है, आपके वैसा झूठा सोशल मीडिया नहीं है। हम हक पे बात करने वाले हैं। हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब ने कहा एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज को एम्पावर करना है, ये लोगों की आवाज को सरपंच से लेके असेंबली तक पहुंचाना है। आज हमारे पास चार एमएलए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की असेंबली में है, तो ये एक डिप्यूटी सीएम असेंबली में बैठे हुए हैं, चार एमएलसी हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, तो एक डिप्यूटी चेयरपर्सन हमारे बहन बैठी हुई है। उसी तरीके से 12 स्टेट के चेयरमैन, 100 से ज्यादा डायरेक्टर्स, कई सरपंचेस, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, म्युनिसिपल चेयरमैन, मार्केट यार्ड चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, माइनॉरिटीज एससी एसटी बीसी मोर देन 85% आज पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब के वजह से है बोल के बताना चाहता हूं। आप पूछते हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज के वास्ते क्या करी, मैं आपको बताना चाहता हूं माइनॉरिटीज के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी असेंबली में सब प्लान लेके आई। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रबाबू नायडू, तुम 14 साल में क्यों माइनॉरिटीज के लिए सब प्लान क्यों नहीं लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रबाबू नायडू, तुम्हारे को उर्दू लैंग्वेज नहीं दिखी क्या? हमने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने, जगनमोहन रेड्डी साहब ने उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज लाने की बिल को पास किया असेंबली में। मैं पूछना चाहता हूं वक्फ बोर्ड की लैंड्स को अगर किसी ने बचाया है, 550 एकड़ को आज हमने 3 साल में बचाया है, तो वो जगनमोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट ने बचाया है। और वक्फ बोर्ड के पूरे प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज अगर की है तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट की है। आपको मैं बता दूं, हाजियों को आज फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं 30,000 और 60,000 रुपए। सचिवालय के एम्प्लॉय से लेकर वॉलंटियर से लेकर हर जगह के ऊपर अगर एम्प्लॉयमेंट हुआ है तो वहां पर एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज को 85% से ज्यादा आज मेरे भाई और बहन जॉब करते हुए सर उठाकर जिंदगी जी रहे हैं। उसी तरीके से नवरत्नाल के स्कीम्स में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से और नॉन डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से 6,000 करोड़, 3,000 करोड़, पूरा मिला के 9,000 करोड़ रुपए वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब ने बटन दबा के माइनॉरिटीज के जिंदगी को बदलने के लिए दिए। सारे स्टेट के एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज और जो गरीब ओसीज हैं उन सबके जिंदगियों को बदलने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए सिर्फ 3 साल में हमने देकर बताए आपको। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रबाबू नायडू, तुमने एक साल में हमने जितना एक साल में किया क्या तुमने 5 साल में किया? मैं पूछना चाहता हूं, नंबर्स के साथ बता रहा हूं, 9,000 करोड़ हमने खर्च किया, तुमने 2,600 करोड़ सिर्फ 5 साल में किया। तुम झूठे, तुम्हारी गवर्नमेंट झूठी, तुम्हारी सोशल मीडिया झूठी, तुम्हारे चैनल झूठे, हम हक पे बोलने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर ठहर के गला खोल के बात कर सक रहे हैं। उसी तरीके से दुल्हन स्कीम के बारे में बात करते, सब लोग सुनना है, आप लोगों को भी बोलना चाहता हूं, दुल्हन स्कीम को चंद्रबाबू नायडू 2016 तक मैंने 2 साल नहीं चलाई, 2016 से 2018 तक सिर्फ 2 साल चलाई,
2018 से 2019 तक 20,000 एप्लीकेशन आए, 100 करोड़ रुपए उन लोगों को देना था। दुल्हन स्कीम को खत्म करने वाले का नाम चंद्रबाबू नायडू है और ये चंद्रबाबू नायडू के लोग हमारे पर तनकीद करते हैं। यस, हम बोल रहे हैं 95% स्कीम्स हमने पूरे किए, कोविड आने के बावजूद, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहने के बावजूद 95% स्कीम्स किए। 5% स्कीम्स नहीं दे सके, जरूर देंगे। देने वाला का नाम जगनमोहन रेड्डी है, झूठ बोलने वाले का नाम, मक्कारी करने वाले का नाम, वेन्नू पोटू पर्चने वाले का नाम चंद्रबाबू नायडू है बोल के बताते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर घर के पट्टे मिले हैं, अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हमारा इलाज हो रहा है, अगर आज हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अगर आज अमन से सुकून से सारे हिंदुस्तान में अगर SC ST BC माइनॉरिटीज और गरीब तबका इंसाफ के साथ अगर कहीं रह रहा है तो वो जगनमोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट में रह रहा बताते हुए मैं आपको बता दूं। एक ही इशारा बनते हुए मैं जगन साहब के बारे में बोलना चाहता हूं। पलट देते हैं मौजे दरिया को भी हम अपनी जरूरत से, के आंधियों में भी हम अक्सर चराग जला देते हैं। ये बताते हुए हमारे पास कोई किस्म का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फिर भी जो काम हम 3 साल में करें तुम तुम्हारी 40 साल की जिंदगी में नहीं कर सके, बताते हुए आने वाले दिनों में झूठों को पलट के मारो और YSR कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता आगे बढ़ो, झंडा लेकर 30 साल तक जगनमोहन रेड्डी साहब को CM बनाना है, हमारे जिंदगियों को बदलना है। अस्सलाम वालेकुम।